मछली कबाब, और उसके लिए हमें चाहिए एक कटा हुआ टमाटर, एक कटोरी चना, नमक चाहिए स्वाद अनुसार, दो अंडा चाहिए, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच सरसों का तेल, एक अखा लींबू, लींबू का रस, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये चॉप मसाला है, इसमें एक अखा लहसुन है, 5 हरी मिर्ची है, पुदीना है, एक टुकड़ा अदरक है और हरा धनिया, इसे चॉप करना है। फिर हमें सूखा मसाले में एक चम्मच जीरा, 5 लाल मिर्ची और एक चम्मच धनिया। प्याज लेना है हमें, दो बारीक कटे हुए, इसका बॉटर है वो छान के लेना है हमें, बारीक करना है प्याज को। और चिकन लेना है हमें, ये 1/2 किलो चिकन है, तो इसको दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना है, 1/2 किलो चिकन। सब में पहले हम चने को भूनेंगे, मैंने पैन रखी हूँ गैस पे, अभी मैं इसे पैन में डालूंगी। हमें इसे रोस्ट करना है, तो बारीक आंच में इसे हम अच्छे से भून के लेंगे। इसे भूनने से हमारे कबाब जो है वो अच्छे टेस्टी बनेंगे, तो इसे अच्छी तरह से हम 1 मिनट तक बारीक आंच में भूनेंगे। चना हमारा भून के तैयार है, देखिए इसी तरह से हमें भूनना है, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, जस्ट उसकी खुशबू हमें चाहिए। तो अभी मैं इसे इसमें निकालूंगी मिक्सी पॉट में, और हमें जो सूखे मसाला है वो भी भूनना है। तो चने को हम बारीक पेस्ट बनाएंगे, पीसेंगे। अभी मैं वही पैन रखूंगी गैस पे, और मैं सूखे मसाले ऐड करूंगी। इसे भी हमें 1 मिनट तक ही भूनना है, पर इसका मसाला हमें ज़रा दरदरा करना है, हमें थोड़ा मोटा रखना है, बारीक नहीं करना है ज़्यादा। और इसे अच्छे से भूनेंगे और इसका पेस्ट करेंगे दरदरा। चने का पेस्ट हमारा तैयार है, देखिए इस तरीके से हमें बारीक करना है, और जो सूखा मसाला है इस तरीके से हमें थोड़ा दरदरा रखना है। अभी एक बाउल लूंगी मैं, सब मसाले हमें मिक्स करने हैं चिकन के साथ में। स्टार्ट करेंगे हम, पहले ऐड करूंगी मैं चिकन, पहला दूंगी साइड में, फिर ऐड करूंगी प्याज, प्याज का वाटर निकालना है वरना नरम पड़ जाएगा कबाब, तो ध्यान रखिए। प्याज ऐड करूंगी, फिर ऐड करूंगी टमाटर, टमाटर का छिलका निकाल देना है और चॉप करना है बारीक, फिर इसमें पिसा हुआ चना ऐड करूंगी, जो हमने पीस के मसाले रखे वो ऐड करूंगी, गरम मसाला ऐड करूंगी, चॉप मसाला ऐड करूंगी ग्रीन, पहले तो हम इसे मिक्स करेंगे चिकन के साथ में अच्छे से, मिला देंगे। मसाले चिकन के साथ मिक्स हो चुके हैं, अभी इसमें मिलाऊंगी कॉर्नफ्लावर और नींबू का रस ऐड करूंगी, छान के लूंगी मैं, बीज हटा दूंगी, फिर ऐड करूंगी मैं दो अंडा, और नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार, नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है, और सरसों का तेल, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसालों को, चिकन को और एग को अच्छे से मिक्स करके एक तैयार मसाला बनाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। पहला चिकन में मसाले अच्छे से लग चुके हैं, अभी हमें इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है, और उसके बाद में हम कबाब बनाएंगे। आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसे फ्रीजर से निकाल चुकी हूँ, अभी हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। पैन रखी हूँ गरम करने, तो इसमें मैं ऑयल मिलाऊंगी,
थोड़ा सा ऑयल मिलाना है हमें, एक चम्मच फैला देंगे। अभी मैं कबाब बनाना शुरू करती हूँ। एक गोला लूंगी मिश्रण का अच्छे से, थोड़ा हमें बड़ा बनाना है कबाब, और मैं इसके ऊपर टमाटर नहीं रखूंगी, आप चाहे तो रख सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे ये साइज में हमें बनाना है। अभी मैं इसे पैन में डालूंगी, हमें शैलो फ्राई करना है इसे। इसी तरह से दूसरा भी कबाब में बना के पैन में डालूंगी। हमें गैस को कम रखना है, कम इसमें इसे पकाना है। एक साइड पकने देंगे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। पहले एक साइड को अच्छे से पकाएंगे और गैस को कम ही रखेंगे। एक साइड हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, अभी इसे मैं पलट दूंगी। इसे बनाने में 4 मिनट लग चुके हैं, तो इसे अभी मैं पलट दूंगी। अच्छे से पलटेंगे। फिर हम 3-4 मिनट तक इसे भी अच्छे से पका के लेंगे। धीमी आंच में हमें पकाना है और बाकी के सारे कबाब इसी तरह से हमें तैयार करना है। लीजिए, तैयार है हमारी चपली कबाब। इसे जरूर ट्राई कीजिए, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।